विकास भवन परिसर में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मुख्य विकास अधिकारी अनुज कुमार सिंह द्वारा ध्वजारोहण करने के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन विकास भवन के परिसर में किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह के अलावा जिला विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह, समाज कल्याण अधिकारी सप्तऋषि, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी सहित अन्य अधिकारी और विकास भवन के कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रस्तुत नाटक एवं देशभक्ति गीतों ने समा बांध दिया और लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह ने कहा, देशवासियों को
स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूँ, साथ में आज जो हमारा पुनीत पर्व है रक्षाबंधन, उसकी भी बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे सीडो साहब ने बताया कि हम इस कार्यक्रम को इस नाते मनाते हैं कि किन शर्तों किन मूल्यों पे हमको आज़ादी मिली है, ऐसा ना हो कि भूल जाएं और पुनः हम उसी स्थिति में आ जाएं, तो इसको याद करने के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, उसी के उसमें कार्यक्रम हो रहा है। धन्यवाद। देखिए आज हमारे देश का 73वां स्वतंत्रता दिवस है और साथ ही साथ आज सावन का अंतिम दिन और रक्षाबंधन का भी त्यौहार है, तो ये स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार हमें हर साल इसलिए मनाया जाता है जिससे कि हम अपने अतीत को ना भूलें, इन अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए जिन लोगों ने अपनी शहादत दी हम उसकी शहादत को याद रखें और याद रखें कि ये जो हमें आज़ादी मिली है ये किन शर्तों पे मिली है और क्या हमारा दायित्व है। और इसके साथ ही साथ रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के रिश्ते का त्यौहार है, मेरे ख्याल से दोनों ऐसे त्यौहार हैं जिसमें हमारे कुछ कर्तव्य हमें याद दिलाने के लिए ये दोनों त्यौहार मनाए जाते हैं। मेरे ख्याल से आज उसी को मनाने के लिए भी हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और एक बार पुनः अपनी मेमोरी भी रिफ्रेश करने के लिए कि हमारा क्या दायित्व है वो भी हम आज यहाँ पे मना रहे हैं।